नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, GTL इंफ्रा में एक बार फिर से दोस्तों आज उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को नजर आए, पर क्लोजिंग जो रही दोस्तों पिछले वाली सेम प्राइस पर ही देखने को मिली है। तो फिलहाल अभी के टाइम स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो नीलामी की जो डेट है वो भी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो कौन कौन सी कंपनियों से कंपनी को अब प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं रहने वाली है और मार्केट को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। तो अभी के लिए प्राइस पर अगर डिस्कशन किया जाए तो ₹1.55 का जो क्लोजिंग था वो आज के इंट्राडे के ऊपर देखने को नजर आया है। अब काफ़ी अच्छा क्लोजिंग देखने को नजर आया क्योंकि लास्ट प्राइस भी सेम प्राइस देखने को मिली थी, तो इसका मतलब गिरावट हुई नहीं है। अभी के टाइम कंपनी के पास दोस्तों ऐसे जो 5 कंपनियों से प्रोजेक्ट मिलने की जो संभावनाएं हैं वो देखने को मिल रही है, और ऑलरेडी कंपनी जो है कंपनियों के लिए ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है कार्य करती हुई नजर आ रही है, जिसमें नंबर 1 होने वाला है एयरटेल, नंबर 2 पे होने वाला है BSNL, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया। तो ये 5 कंपनियां का जो प्रोजेक्ट है वो बिग टाइम कंपनी ऑलरेडी प्रोजेक्ट पर प्रोग्रेस कर रही है, कार्य कर रही है। पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी से कौन कौन सी कंपनियों को प्रॉफिट मिल सकता है, कौन कौन सी कंपनियों से प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो पहले क्लियरली मेंशन मैंने आप लोग को बताया था कि वोडाफोन आइडिया से मिल सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो दोस्तों जियो से देखने को मिलेगा, और उसके अगर आखिरी में अगर बात की जाए तो एयरटेल से, क्योंकि ऑलरेडी BSNL दोस्तों इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन के अंदर भाग बिल्कुल नहीं ले रही, तो ये चीज क्लियरली कर दूं। और कंपनी दोस्तों जो है वोडाफोन आइडिया का जो BSNL की अगर डिस्कशन कर किया जाए तो दोस्तों कंपनी 4G नेटवर्क को लेकर जो है ऑलरेडी पहले डील कर चुकी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। तो दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ जो कंपनी ने जो कार्य किया है, तो टाटा कम्युनिकेशन से भी दोस्तों कहीं ना कहीं GTL इंफ्रा को जो प्रोजेक्ट थे वो कहीं ना कहीं पहले मिले थे, और कंपनी ने ऑलरेडी उस चीज़ पर कार्य सक्सेसफुल तरीके से किया, क्योंकि अभी के टाइम जो है ग्राहकों की जो सफलता थी वो कहीं ना कहीं कंपनी ने जो अच्छे कार्य करने की जो कोशिश थी कि वो यहाँ पर देखने को मिला कि माता वैष्णो देवी बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में तीर्थ यात्रियों के लिए दोस्तों उच्च NW की नेटवर्क उपलब्ध हासिल करवाई, साथ ही साथ उत्तर पूर्व में असम टेलीकॉम सर्कल में दूर संचार ऑपरेटर्स के लिए दोस्तों जो है नेटवर्क का अप टाइम ड्राइव किया। पर अभी के टाइम कंपनी के पास दोस्तों जो टेलीकॉम सर्कलों पे जो टावर देखने को मिल रहे हैं, तो 22 टेलीकॉम सर्कलों पे दोस्तों 26,000 से अधिक टावर अभी के टाइम कंपनी को ऑलरेडी लगे हुए हैं। साथ ही साथ ही सब्सक्राइबर बेसिस पर अगर बात की जाए तो कंपनी से जो कनेक्टेड जो सब्सक्राइबर बेसिस के जो कस्टमर है तो वो 70 मिलियन से दोस्तों ज़्यादा देखने को मिल रही है, और 5,000 से ज़्यादा दोस्तों कंपनी के पास मैनेजमेंट टीम जो देखने को कार्य करने की जो टीम है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी को 35 से अधिक अवार्ड भी मिल चुके है, जो कंपनी ने टाइम पर वर्क कंप्लीट करके दिया उसके बेसिक पर बात की जाए, एक कंपनी ने एक अच्छे तौर तरीके के आधार पर कंप्लीट किया उसके आधार पर, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक अच्छी पॉजिटिविटी जो है इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन में ही दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो तकदीर है वो बदलती हुई नजर आ सकती है। तो अभी के लिए हमें दोस्तों स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी तक पेशेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होने वाला है, और अभी के लिए दोस्तों उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहे हैं तो इसी वजह से ज़्यादा जो है मार्केट में जो है अप डाउन का जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों जो है मार्केट में जो खलबली है FII के इन्वेस्टरों में मची हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है पैनिक सिचुएशन ऑलरेडी देखने को मिल रही है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को उसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर उसे सेलेक्ट कर लेना। और कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय बाजारों पर जो मूवमेंट है उसमें भी एक अच्छी तेज़ी देखने को आज मिली है, और अभी के टाइम अगर बात की जाए तो दोस्तों मार्केट में सेलिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा लगी है, जो लगभग 5 लाख शेयर मार्केट में दोस्तों GTL इंफ्रा के सेलिंग पर लगे हैं। टोटल वॉल्यूम पर डिस्कशन अगर किया जाए तो लगभग दोस्तों 566 लाख शेयर की जो वॉल्यूम थी वो आज के इंट्राडे पर नजर आई है, जिसमें अगर होल्डिंग पर अगर डिस्कशन किया जाए तो होल्डिंग काफ़ी अच्छे देखने को मिली है, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट कंटिन्यूसली वापस कायम होता हुआ नजर आ रहा है। जो 53.20% की जो डिलीवरी है वो शेयर होल्डर्स ने आज के इंट्राडे पे उठाई है, तो पॉजिटिविटी बनी है और लगातार शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट कंटिन्यूसली कायम रहा है। पर अभी के टाइम फेस वैल्यू कंपनी की ₹10 रहने वाली है, पर कंपनी का दोस्तों जो अभी के टाइम जो पिछले लंबे वक्त से दोस्तों ASM लिस्ट का बाहर आना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बना है, क्योंकि कंपनी की दोस्तों 13 फरवरी 2024 को जो है पिछले 1 ईयर की टॉप प्राइस ₹2.60 देखने को मिली थी, और बात की जाए पिछले लो वीक की तो दोस्तों पिछले 52 लो वीक में 70 पैसे जो प्राइस देखने को मिलती
गिनती है 7 सितंबर 2023 को। तो ये प्राइस दोस्तों पिछले 1 ईयर के डेटाबेस के आंकड़ों की फेरबदल पे नज़र आए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब मार्केट का जो मोमेंट है वो चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जल्द मार्केट में रैली नज़र आएगी और ZTL इन्फ्रा पे दोस्तों जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी में प्रोजेक्ट मिलने की जो संभावनाएं थी वो मैंने आप लोगों को क्लियरली मेंशन कर दी है। तो अभी के टाइम हमें पेशेंस बनाना होगा, साथ ही साथ जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पैनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।